सो इस वीडियो में हम ये करना शुरू करेंगे कि हमने अभी तक जो क्लासिकल स्ट्रिंग को स्टडी किया है, अब हम उसको क्वांटाइज करेंगे। सो क्वांटाइज करने से पहले हम अपने आप को रिमाइंड करवाते हैं कि व्हाट डू वी मीन बाय क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन प्रोसीजर जो है उसका मतलब क्या होता है? सो क्वांटाइजेशन प्रोसीजर जो है उसका मतलब ये होता है कि हमने अपने फिजिकल सिस्टम को डिस्क्राइब करने वाले जो कोऑर्डिनेट्स हैं, जिनको हम जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स कहते हैं, या फिर जो भी वेरिएबल्स हैं उनको आइडेंटिफाई करना है, और फिर उनके कॉन्जुगेट मोमेंटा को आइडेंटिफाई करना है, और फिर कोऑर्डिनेट्स और मोमेंटा के बीच में कम्यूटेशन रिलेशंस को पोस्टुलेट करना है। ठीक है, तो हम यही काम जो है वो स्ट्रिंग्स के लिए करेंगे। और हम ये देख सकते हैं कि जो स्ट्रिंग्स हैं इसको डिस्क्राइब करने वाला वाले जो वेरिएबल्स हैं एक्चुअली वो एक्स म्यू हैं, कैपिटल एक्स म्यू, यानी कि ये, ठीक है। और ऑब्वियसली ये डिपेंड करते हैं टाओ और सिग्मा पे। अब अगर आपने फील्ड थ्योरी, क्वांटम फील्ड थ्योरी स्टडी की हुई है, तो यू रिमेम्बर कि क्वांटम फील्ड थ्योरी में हम फील्ड वेरिएबल्स जो होते हैं उनके कम्यूटेशन रिलेशंस को स्टडी करते हैं। और उसमें होता ये है कि हम फील्ड वेरिएबल्स के जो कम्यूटेशन रिलेशंस हैं उनको पोस्टुलेट करते हैं एट इक्वल टाइम। ठीक है, सो हम यहाँ पे भी कुछ उस तरह से ही करेंगे, लेकिन आई थिंक आई एम गेटिंग अहेड ऑफ माई सेल्फ। सो सबसे पहला काम जो है वो ये है कि हम एक्स म्यू का कॉन्जुगेट मोमेंटम क्या है उसको आइडेंटिफाई करें। सो अगर हम याद करें तो जो स्ट्रिंग्स का एक्शन था, पॉलीकोव एक्शन है विद द मैट्रिक टेंसर फिक्स्ड, जिसको हमने फिक्स किया था, वो कुछ इस तरह से था कि एस इज इक्वल टू -1/4πα′ टाइम्स दिस थिंग टाइम्स दिस थिंग। ठीक है, सो अब अगर मैं इस चीज़ को एक्सपेंड करके लिखूं, सो इसको ये इस तरह से बनता है GAB जिसको मैं इस तरह से लिख सकता हूं कि -ठ लाइक दिस, और एक और टर्म आएगी जो कि है ये। मैंने ये यूज़ किया इफेक्ट कि GAB जो है दैट्स इक्वल टू दिस थिंग, क्योंकि हमने फिक्स किया था मैट्रिक यूजिंग रिपैरामीटराइजेशन इनवेरियंस एंड वाइल इनवेरियंस, ये हमने किया हुआ पहले। सो इसका मतलब है कि मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ कि -x.² + x′² और x.² का मतलब है x.μ x.ν टाइम्स दिस, जहाँ पे एक्स डॉट का मतलब क्या है, एक्स डॉट म्यू इसका मतलब है टाइम टाउ डेरिवेटिव ऑफ एक्स, और एक्स प्राइम का मतलब इस तरीके से है सिग्मा डेरिवेटिव ऑफ एक्स। ठीक है, सो इसका मतलब है कि हम ये जो पॉलीकोव एक्शन है उसको हम सिंप्लीफाई करके इस तरह से लिख सकते हैं कि इट्स -x.² + x′² ओके। अब अगर मैं आपको याद कराऊँ कि कॉन्जुगेट मोमेंटम फाइंड करने का तरीका ये होता है, अगर मैं कॉन्जुगेट मोमेंटम को इस कैपिटल पाई से रिप्रेजेंट करूँ, जो कि एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है, कैपिटल पाई म्यू, और ऑब्वियसली ये भी टाउ और सिग्मा पे डिपेंड करेगा लाइक एक्स म्यू, सो इट शुड बी इक्वल टू कैपिटल एल, जहाँ पे एल जो है ये लैग्रांजियन डेंसिटी है विद रिस्पेक्ट टू एक्स डॉट म्यू, बल्कि ये भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली इस तरह से। आप अगर आपको याद करने की ज़रूरत है कि ये डेफिनेशन कहाँ से आई है, तो अगर आप याद करो कि क्लासिकल मैकेनिक्स में जो कॉन्जुगेट मोमेंटम था उसकी डेफिनेशन कुछ यूँ थी कि द डेरिवेटिव ऑफ लैग्रांजियन विद रिस्पेक्ट टू द टाइम डेरिवेटिव ऑफ द कोऑर्डिनेट्स। तो यहाँ पे भी बिल्कुल ऐसी ही बात है, और ऑब्वियसली ये टाउ और सिग्मा डिपेंडेंस जो है ये आती है यहाँ से टाउ और सिग्मा। ठीक है, लेकिन मैं लिख नहीं रहा उसको अभी। तो अगर ऊपर एक्शन लिखा हुआ है तो इसमें से एल कैसे निकाल सकते हैं, तो कैपिटल एल जो है वो है -1/4πα′ और साथ में जो इसकी ये ब्रैकेट आ रही है, यानी कि ये चीज़ और ये माइनस साइन में अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ। अब अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूँ विद रिस्पेक्ट टू एक्स डॉट म्यू, तो हमें मिलेगा 1/4πα′ और यहाँ से मिलेगा 2 times दिस थिंग। ये कैसे किया मैंने, ये मैंने इस तरह से किया कि मैंने इसको डिफरेंशिएट करना था विद रिस्पेक्ट टू एक्स डॉट म्यू और एक्स डॉट म्यू। अब मैंने इसको अगर ओपन करूँ
तो इट्स लाइक दिस थिंग एक्स डॉट सो इसको सिंप्लीफाई करके अगर हम लिखें तो इट विल बी लाइक एक्स डॉट म्यू डिवाइडेड बाय 2 पाई अल्फा प्राइम. सो ये दरअसल वेल यू नो एक्सप्रेशन है यू नो कॉन्जुगेट मोमेंटम का या फिर पाई म्यू का. तो इसका मतलब है कि पाई म्यू टॉ सिग्मा इज जस्ट एक्स डॉट, बल्कि इसको मैं अगर मैं ऊपर ले जाऊँ इंडेक्स को सो इट विल बी लाइक दिस थिंग एल्फा प्राइम, और ये एक्स जो है ये टाओ और सिग्मा पे डिपेंड करता है. सो हमारे पास एक्सप्रेशन तो आ गया है यू नो कॉन्जुगेट मोमेंटम का. अब क्वांटाइजेशन करने के लिए हमें ये करने की ज़रूरत है कि हम इनके एक्स म्यू और पाई म्यू के बीच में यू नो पोस्टुलेट करेंगे कम्यूटेशन रिलेशंस. तो वो कुछ इस तरह से चलते जाते हैं कि एक्स म्यू टॉ सिग्मा, और कम्यूटेशन रिलेशन जो होगा इट विल बी लाइक टॉ पे ही होगा लेकिन सिग्मा डिफरेंट होगा उसमें, सिग्मा इन सिग्मा प्राइम. ठीक है, और ये मैंने टॉल सेम क्यों रखा है दोनों में, क्योंकि ये इक्वल टाइम कम्यूटेशन रिलेशन हैं. सो दे शुड बी इक्वल टू आई टाइम्स यू नो ईटा म्यू न्यू. ठीक है, और जिस तरह के फील्ड थ्योरी में होता है कि दे शुड बी एट द सेम पॉइंट, इसका मतलब है कि दीज कम्यूटेशन रिलेशन आर ओनली नॉन जीरो अगर सिग्मा और सिग्मा प्राइम जो है वो सेम है. अगर ये सेम नहीं है तो ये दो बिल्कुल डिफरेंट पॉइंट्स पे हो जाते हैं और वो कम्यूट करते हैं एक दूसरे के साथ. अब क्वेश्चन ये है कि अगर तो ये कम्यूटेशन रिलेशंस जो हैं ये सही हैं, तो अगर हम ये याद करें कि जो एक्स म्यू था उसकी एक मोड एक्सपेंशन थी हमारे पास, अगर मैं आपको रिमाइंड कर रहा हूँ तो वो मोड एक्सपेंशन कुछ इस तरह से थी. सो इट वॉज लाइक एक्स म्यू नाउ एक्स ज़ीरो म्यू प्लस एल्फा प्राइम पी म्यू टॉ प्लस आई एल्फा प्राइम ओवर टू सिग्मा एन नॉट इक्वल टू ज़ीरो वन ओवर एन एल्फा म्यू एन ए टू द पावर माइनस आई एन सिग्मा एल्फा टिल्डा म्यू एन ए टू द पावर आई एन सिग्मा टाइम्स दिस थिंग. सो इसमें डिफरेंट मोड्स हैं यू नो, और वो मोड्स कौन से हैं, एक तो है एक्स म्यू ज़ीरो, एक है पी म्यू, एक है एल्फा म्यू एन, और एक है एल्फा टिल्डा म्यू एन. तो अब क्वेश्चन ये है कि अगर तो ये कम्यूटेशन रिलेशंस ठीक हैं ये वाले, तो ये जो मोड्स हैं ये चार तरह के मैंने मोड्स लिखे हैं नीचे, इन सब के आपस में कम्यूटेशन रिलेशंस क्या होने चाहिए सच दैट कि हमें एक्स और पाई के दरमियान ये कम्यूटेशन रिलेशंस मिल जाएं. ठीक है, तो इस क्वेश्चन को अब हम आंसर करेंगे इस वीडियो के अंदर. सो इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए सबसे पहले हमें पाई म्यू का एक्सप्रेशन जानने की ज़रूरत है. सो पाई म्यू का एक्सप्रेशन हमारे पास है तो सही यहाँ पे ऊपर, लेकिन वो एक्स म्यू डॉट की टर्म्स में है. सो हमें उनको लिखना होगा इन मोड्स की टर्म्स में, और बहुत सिंपल है ये देखना कि ये क्या कहते हैं, ये मोड्स जो हैं ये कैसे आ सकते हैं, सॉरी ये पाई म्यू का पाई का एक्सप्रेशन जो है वो मोड्स के टर्म्स में कैसे आ सकता है. लेकिन हम एक काम करेंगे कि हम यू नो ये जो एक्स्ट्रा टू पाई अल्फा प्राइम है ना, इसको या तो आप यू नो चाहो तो ख़त्म कर सकते हो या फिर इसके साथ काम कर सकते हो. ख़त्म इस तरह से कर सकते हो कि आप मोर ये जो कम्यूटेशन रिलेशन है ये आप यू नो स्टडी करो नॉट बिटवीन एक्स म्यू एंड एक्स एंड पाई एन यू, बल्कि बिटवीन एक्स म्यू एंड एक्स म्यू डॉट राइट, और उससे आपको एक एक्स्ट्रा टू पाई एल्फा प्राइम जो है यहाँ पे मिल जाएगा. ठीक है, तो आई थिंक इससे ये फैक्टर जो है एक्स्ट्रा ख़त्म हो जाता है, क्योंकि पाई के में से पाई की डेफिनेशन में से वो जो टू पाई अल्फा प्राइम था वो निकल के दूसरी साइड पे चला गया. ठीक है, ओके, सो हम एक्स म्यू एक्स डॉट म्यू के साथ काम करेंगे, और यहाँ पे ऑब्वियसली वो है सॉरी सिग्मा प्राइम. सो हम कैलकुलेट करते हैं एक्स म्यू डॉट, तो इट्स इक्वल टू, सो पहली टर्म तो वैनिश हो जाएगी बिकॉज दैट्स अ कॉन्स्टेंट, दूसरी टर्म आएगी एल्फा प्राइम पी न्यू, तीसरी टर्म में अब आप देखोगे तीसरी टर्म में क्या होगा, तीसरी टर्म में कुछ यू होगा कि ये जो तीसरी टर्म्स है सारी की सारी तीसरी तरह की टर्म्स कहना चाहिए. सो इसमें जब आप टॉ के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करोगे तो टॉ डिपेंडेंट टर्म सिर्फ ये है, इसमें से इसके एक्सपोनेंट में से माइनस आई एन निकल के बाहर आएगा, और वो जो माइनस आई है वो इस आई को ख़त्म कर देगा, और ये जो एन है ये दरअसल इस वन ओवर एन को ख़त्म कर देगा. ठीक है, सो आप ये आई और ये वन ओवर एन जो है ये दोनों ख़त्म हो जाएंगे. सो लेट्स सी के क्या बनता है. सो इट विल बी एल्फा प्राइम ओवर टू सम एन इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो एल्फा म्यू एन माइनस आई, सेम थिंग, इसको कोई चेंज नहीं आएगा,
और साथ में ये भी आएगा। लेकिन यहाँ पे ये ज़रूरी है कि आप सिग्मा प्राइम लिखो, बिकॉज हम सिग्मा प्राइम पे कैलकुलेट कर रहे हैं। ओके, सो अब हम इनके कम्यूटेशन रिलेशंस जो हैं वो कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं, और जो भी आंसर आएगा यू नो इस सब मैनिपुलेशन से, उसको इक्वल होना चाहिए इस आंसर के जो कि हम ऊपर देख चुके हैं। सो अब इसमें दो तीन चीज़ें जो हैं वो इस कैलकुलेशन को सिंपल करेंगी। पहली चीज़ तो ये है कि आप ये नोट करो कि ये जो एक्सप्रेशन है इसके अंदर कोई टॉ डिपेंडेंस नहीं है, जिसका मतलब है कि ये टॉ पे डिपेंड नहीं करता। ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। सो अगर आप इस चीज़ को यूज़ करो और आप कैलकुलेट करो, ये जो हम ऊपर कम्यूटेशन रिलेशन की बात कर रहे हैं, सो एक्स म्यू, आई थिंक यहाँ पे न्यू आना चाहिए, मैंने म्यू लिखा हुआ, सॉरी। सो टॉ सिग्मा और दिस थिंग। सो अगर आप कैलकुलेट करो तो सबसे पहले कम्यूटेशन रिलेशन कौन सा आ सकता है पॉसिबल? सो वो आ सकता है एक्स का और पी का। ओके, दैट्स फाइन। सो इट विल बी लाइक अल्फा प्राइम एक्स म्यू ज़ीरो एंड पी न्यू, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगला कम्यूटेशन रिलेशन जो है वो किसका आ सकता है? वो है एक्स म्यू और इसका। बट हेयर द थिंग, ये कम्यूटेशन रिलेशन जो है ये ऑब्वियसली ज़ीरो होना चाहिए, बिकॉज अगर आप एक्स का कम्यूटेशन रिलेशन लोगे इस टर्म के साथ, तो ये याद रखो कि ये टर्म जो है ये इसके साथ मल्टीप्लाई भी हो रही है। ठीक है, ये अगर मल्टीप्लाई हो रही है तो इसका मतलब है कि जो भी कम्यूटेशन रिलेशन होगा, अगर तो वो ज़ीरो नहीं है, तो उसमें ये ई टू द पावर माइनस एन टॉ आ जाएगा। और चाहे आप इसको तमाम एन्स के लिए सम भी कर दो, ये टॉ डिपेंडेंस कहीं जाने नहीं वाली है। ठीक है, ये आप चेक भी कर सकते हो अगर आप चाहो तो। लेकिन अगर आप यही लॉजिक यूज़ करो तो इसका मतलब ये है कि जो पी है इसका कम्यूटेशन रिलेशन इसके साथ नहीं आना चाहिए, ना ही इसके साथ आना चाहिए। और सेम लॉजिक दूसरी तरफ भी लगती है कि अगर आप ये पी लो और इसका कम्यूटेशन रिलेशन इसके साथ लो, तो अगेन इस वाले में ये भी साथ में है। इसका मतलब ये है कि पी का कम्यूटेशन रिलेशन जो है वो अल्फाज के साथ नहीं होना चाहिए, दैट शुड बी ज़ीरो। ठीक है, ओके, सो इसका मतलब है कि ये वाले कम्यूटेशन रिलेशन नहीं आएंगे, ना तो एक्स का अल्फाज के साथ आएगा, ना तो पी का अल्फाज के साथ आएगा। ओके, उसके बाद पी का कम्यूटेशन रिलेशन पी के साथ नहीं हो सकता, बिकॉज दे आर जस्ट द सेम थिंग, दे आर जस्ट मोमेंटा, सो ये भी ज़ीरो होगा। ओके, अब अगला कम्यूटेशन रिलेशन जो है वो है अल्फाज का अल्फाज के साथ। सो क्या ये ज़ीरो है? वेल लेट्स सी। सो ये कुछ इस तरह से बनेगा कि प्लस आई टाइम्स अल्फा प्राइम ओवर टू। सो अल्फा प्राइम ओवर टू के ऊपर से अब स्क्वायर रूट ख़त्म हो गया है, बिकॉज एक अल्फा प्राइम ओवर टू का स्क्वायर रूट यहाँ से आता है और एक यहाँ से आता है। ठीक है, सो अब दो समीशन होंगी हमारे पास, एन इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो एंड एम इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, बिकॉज दोनों में समीशन हैं, और वन ओवर एन आएगा और साथ में अल्फा म्यू एन एंड अल्फा न्यू एम। ठीक है, बल्कि अगर मैं इसको एक्सप्लिसिट रखने के लिए यहाँ पे समेशन वेरिएबल चेंज कर दूँ तो आई थिंक दैट विल बी मच बेटर। सो एम एम सिग्मा प्राइम और एम टी टॉ, सॉरी। ओके, इसके अलावा ये जो सिग्माज वाली टर्म्स होंगी, दे विल बी लाइक माइनस आई एन सिग्मा प्लस एम सिग्मा प्राइम, और ये जो टॉ वाली टर्म्स होंगी दे विल बी लाइक माइनस आई एन प्लस एम टॉ। ठीक है, ओके, सो अब देखते हैं कि क्या ये ज़ीरो होने चाहिए अल्फाज वाले कम्यूटेशन रिलेशंस आपस में। बिल्कुल पहले वाली रीजनिंग अगर हम लगाएं तो अगेन आप देख सकते हो कि इसमें टॉ डिपेंडेंस आ रही है। कहाँ पर आ रही है टॉ डिपेंडेंस? टॉ डिपेंडेंस यहाँ पर है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि क्या ये टॉर डिपेंडेंस हम ख़त्म कर सकते हैं? वेल, आप ये देख सकते हो कि अगर n प्लस एम, यानी कि ये जो साथ में आ रहा है n प्लस एम, अगर ये ज़ीरो है तो ये टॉर डिपेंडेंस वाला फैक्टर जो है ये ख़त्म हो जाता है, बिकॉज अगर n प्लस एम ज़ीरो है तो ये एक्सपोनेंशियल जो है ये दरअसल वन हो जाता है। इसका मतलब है कि ये जो कम्यूटेशन रिलेशन है ये सिर्फ तब नॉन ज़ीरो हो सकता है अगर n प्लस एम जो है वो ज़ीरो हो, अदरवाइज़ ये ज़ीरो नॉन ज़ीरो जो है वो नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ओके, अगर हम ये कंस्ट्रेंट लगाएं इसके ऊपर तो लेट्स सी के क्या बनता है। तो अगर एन प्लस एम जो है वो क्या कहते हैं ज़ीरो है, तो एक समीशन तो ऑब्वियसली ख़त्म हो जाती है। आप यहाँ पे भी एन और एम को एक दूसरे के नेगेटिव कर सकते हो और यहाँ पे आएगा कुछ इस तरह से। ठीक है, और आप यहाँ पे भी
ये कर सकते हो कि m, और यहाँ पे आप एक डेल्टा फंक्शन इंट्रोड्यूस कर सकते हो कि सॉरी माइनस एन, चलो इस तरह कर लो, आई थिंक दैट्स बेटर। ठीक है, अब आप एक चीज़ देखो यहाँ पे, और वो ये है कि अगर आप याद करो कि जो डिराक डेल्टा फंक्शन होता है उसकी एक एक्सपेंशन होती है, वो एक्सपेंशन मैं आपको बताता हूँ कि क्या है। आई थिंक यू शुड नो दैट बिफोर हैंड कि डिराक डेल्टा फंक्शन इज इक्वल टू 1/2π प्लस 1/2π टाइम्स एन इज़ नॉट इक्वल टू 0 इंटू द ई टू द पावर माइनस आई एन सिग्मा माइनस सिग्मा प्राइम। तो आप देख सकते हो कि जो चीज़ यहाँ पे आ रही है डिराक डेल्टा फंक्शन के अंदर, वो चीज़ यहाँ पे भी आ रही है। ठीक है, और अगर आप याद करो तो हमें अपने कम्यूटेशन रिलेशन के अंदर ये डिराक डेल्टा फंक्शन तो चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये जो चीज़ है इसकी कॉन्ट्रीब्यूशन होगी डिराक डेल्टा फंक्शन को बनाने में। जो इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि अगर यहाँ पे सिग्मा, यहाँ पे अगर सिग्मा प्लस होता, सिग्मा प्लस सिग्मा प्राइम, तो फिर यहाँ पे डिराक डेल्टा फंक्शन में भी ये प्लस आता, यानी कि यहाँ पे मैंने देखो चेंज कर दिया है। ठीक है, लेकिन ये हमें नहीं चाहिए, हमें माइनस वाला चाहिए। अब ये बात क्यों इंपॉर्टेंट है ये थोड़ी देर में आपको समझ आ जाएगी कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है। अब हम देखते हैं कि क्या अल्फा और अल्फा प्राइम जो है, सॉरी ये अल्फा प्राइम नहीं, अल्फा और अल्फा टिल्डा जो है उनके कम्यूटेशन रिलेशंस जो हैं क्या वो ज़ीरो होने चाहिए या फिर वो नॉन ज़ीरो हो सकते हैं। सो हम इसी तरह से कम्यूटेशन रिलेशन कैलकुलेट करते हैं उनका। सो अगेन आई टाइम्स अल्फा प्राइम ओवर टू, अगेन दो समेशन आएंगी, एन इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, एम इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, 1/n अल्फा म्यू एन अल्फा टिल्डा सॉरी न्यू एम, और अगेन यहाँ पे ई के साथ आएगा आई माइनस आई सॉरी या माइनस आई एन सिग्मा और फिर माइनस सिग्मा प्राइम, बल्कि यहाँ लिख लेते हैं माइनस एम सिग्मा प्राइम। अब आप ये चीज़ नोट करो कि यहाँ पे अल्फा प्राइम जो है इसके साथ पॉजिटिव एम था, तो मैंने ये चूंकि माइनस साइन बाहर निकाला हुआ था यहाँ पे मैंने एक एडिशनल माइनस साइन डाल दिया ताकि एम के साथ प्लस साइन आए। ठीक है, और जो टॉ डिपेंडेंट फैक्टर है वो अगेन वो किस तरह से है, माइनस आई एन प्लस एम टॉ। अब आप एक चीज़ देखो, वो चीज़ ये है कि अगेन बिल्कुल पहले जैसे आर्ग्यूमेंट की तरह हम ये टॉ डिपेंडेंट फैक्टर ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए एन प्लस एम को ज़ीरो होना पड़ेगा। ओके, अगर हम ये काम करते हैं तो अगेन एक समेशन ख़त्म हो जाएगी, यहाँ पे माइनस एन आ जाएगा, और अगर हम यहाँ पे एन एम को माइनस एन के इक्वल रखें तो इट विल बी लाइक माइनस आई एन सिग्मा, बट यहाँ पे प्लस सिग्मा प्राइम आएगा। बट अभी मैंने आपको बताया था कि ये चीज़ नहीं आ सकती डिराक डेल्टा फंक्शन जो कि सिग्मा माइनस सिग्मा प्राइम का हो उसकी एक्सपेंशन के अंदर। इसका मतलब है कि ये चीज़ अगर आ गई कम्यूटेशन रिलेशन के अंदर तो कम्यूटेशन रिलेशन जो है वो नहीं आएगा जो हमें चाहिए, जो कि है ये। ठीक है, इसका मतलब है कि ये जो अल्फा और अल्फा टिल्डा के कम्यूटेशन रिलेशंस हैं दे शुड बी ज़ीरो, दे शुड ऑलवेज बी ज़ीरो। ठीक है, ओके, इसका मतलब है कि सिर्फ एक तरह के कम्यूटेशन रिलेशंस जो हैं वो रह गए हैं और वो है अल्फा टिल्डा के अल्फा टिल्डा के साथ। तो अगर आप उसको कैलकुलेट करो, और आपको वो कैलकुलेट करने के लिए दोबारा ये रीराइट करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसी को अगर रीराइट कर लो तो इट विल बी लाइक टिल्डा ओके लाइक दिस लाइक दिस, और एक्सपोनेंशियल फैक्टर्स मैं नीचे लिखता हूँ। सो दोनों में पॉजिटिव है तो मैं इसको इस तरह लिखूँगा, अब एन सिग्मा प्लस एम सिग्मा प्राइम माइनस आई एन प्लस एम टॉ। पहले जैसी रीजनिंग बिल्कुल यूज़ करें, अगर हम टॉ का फैक्टर ख़त्म करने, ये टॉ डिपेंडेंट एक्सपोनेंशियल जो है ये ख़त्म करने के लिए एन प्लस एम ज़ीरो होना चाहिए। ओके, अगर वो ज़ीरो हुआ तो अगेन ये चीज़ जो है ये माइनस एन बन जाएगी, और अगर आप यहाँ पे m को माइनस एन रखो तो अगेन यहाँ पर आएगा इस तरह से। ठीक है, और एंड दैट्स इट, अगेन पहले की तरह बिल्कुल ओके। अब हम ये चीज़ देख सकते हैं कि जो यू नो ये सारे का सारा एक्सप्रेशन है ये उसकी तरह बन रहा है जिस तरह हमें चाहिए। अब अगर आप याद करो कि ये सारा किसके इक्वल होना चाहिए, तो इट शुड बी इक्वल टू i टाइम्स दिस थिंग टाइम्स दिस थिंग, लेकिन अगर मैं इसको एक्सपेंड करूँ इट विल बी लाइक आई टाइम्स म्यू न्यू टाइम्स 2π आई थिंक, सॉरी यहाँ पे एक और चीज़ मैंने ऐड करनी थी 2π अल्फा प्राइम, ये मैंने आपको याद होगा ये मैंने साइड पे निकाला था बिकॉज
मैंने एक्स कम्यूटेशन रिलेशन के अंदर जो है वो एक्स म्यू डॉट रखा हुआ था इंस्टेड ऑफ पाई न्यू सॉरी. ओके सो इसको बल्कि मैं स्टार्ट में लिख लेता हूँ. इट शुड बी टू हाई एल्फा प्राइम आई. ओके सो अगर मैं इसको एक्सपेंड करूँ तो टू पाई एल्फा प्राइम आई टाइम्स दिस. और अगर मैं डिराक डेल्टा फंक्शन का वो एक्सपेंशन जो मैंने लिखी थी वो मैं दोबारा लिखूँ तो इट विल बी लाइक दिस थिंग. एन इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो एंड ई टू द पावर माइनस आई एन सिग्मा माइनस सिग्मा प्राइम. ठीक है, ये टू पाई एस आप कॉमन लेके ये इसको ख़त्म कर सकते हो. ठीक है, अब आप एक चीज़ देखो कि ये जो चीज़ है इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ कि वन ओवर टू, ठीक है, प्लस वन ओवर टू एन इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो माइनस वन ओवर एन सॉरी माइनस आई टाइम्स एन सिग्मा माइनस सिग्मा प्राइम इस तरह से. अब हमारे पास दो डिफरेंट एक्सपेंशन हैं इस चीज़ की, एक ये और एक ये. ठीक है, अब अगर आप चाहो तो कोएफिशिएंट्स मैच कर सकते हो. कैसे कोएफिशिएंट्स आप इस तरह से मैच कर सकते हो कि अब आप सबसे पहले अगर आप ये देखो कि सिग्मा इंडिपेंडेंट चीज़ जो है वो कौन सी है, यहाँ पे देखते हैं तो ये है और यहाँ पे देखते हैं तो दिस मल्टीप्लाइड बाई वन है, यानी कि ये इटसेल्फ सॉरी यानी कि जो भी ये है वो. ठीक है, सो ये दे शुड बी इक्वल क्योंकि ये सिग्मा इंडिपेंडेंट चीज़ें हैं. ओके सो इसका मतलब है कि अल्फा प्राइम एक्स म्यू ज़ीरो पी न्यू इट शुड बी अल्फा प्राइम आई टाइम्स दिस थिंग. ठीक है, अल्फा प्राइम आप कैंसिल कर सकते हो दोनों जगहों से एंड ये पहला कम्यूटेशन रिलेशन जो है ये हमें अब मिल चुका है. अब दूसरा कम्यूटेशन दूसरे जो कम्यूटेशन रिलेशन हैं उनको देखने से पहले आप एक चीज़ देख सकते हो, वो ये है कि यहाँ पे ये जो एक्सपोनेंशियल्स हैं ये यू नो सम हो रहे हैं और इसके अंदर जो एक्सपोनेंट है वो है माइनस आई टाइम्स एन टाइम्स सिग्मा माइनस सिग्मा प्राइम. ठीक है, लेकिन आप एक चीज़ देख सकते हो, आप इनमें से कोई भी एक सम अगर ले लो और उसमें एन को माइनस एन कर दो तो उस सम को कोई फ़र्क नहीं पड़ता. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप ये वाला सम लो, ये जो थर्ड नंबर पे है ये वाला सम, और इसमें आप ये माइनस एन हटा दो तो इट्स टोटली फाइन बिकॉज हो क्या रहा है कि एन इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो जो नंबर्स हैं यानी कि जितने भी नॉन ज़ीरो इंटीजर्स हैं उन पर सम हो रहा है. तो ये सम जो है वो हर इंटीजर और उसका नेगेटिव जो है उसको हमेशा इंक्लूड करेगा ही करेगा. सो अगर आप ये जो अगर आप एन माइनस एन रखते स्टार्ट में तो ये पहले ये हो सकता था कि ये लेता माइनस टू और फिर ये माइनस ऑफ माइनस टू भी लेता जो कि टू है, लेकिन अब ये क्या करेगा कि ये पहले टू लेगा और फिर माइनस टू भी ले लेगा. तो इट डजेंट मैटर, इट्स जस्ट अ डमी वेरिएबल, मैं ये कहना चाह रहा हूँ. सो अब अगर आप इनको यू नो कंपेयर करो ऊपर वाले यू नो एक्सप्रेशन के साथ तो आप ये कर सकते हो फॉर एग्जाम्पल कि ये जो ये वाला एक्सप्रेशन है सॉरी ये वाला जो एक्सप्रेशन है और याद रखना कि इसको इससे मल्टीप्लाई होना है, ये जो है वो फॉर एग्जाम्पल इसके इक्वल हो सकता है. और अब समेशन साइन को ज़रा इग्नोर करो बिकॉज इट मीन्स के हर टर्म जो है वो इक्वल है एक दूसरे के, हर टर्म आपस में नहीं, एक समेशन के अंदर नहीं, मैं कह रहा हूँ कि हर टर्म दोनों साइड्स पे जो है वो कॉरेस्पॉन्डिंगली मैच करेगी. तो एक साइड से अगर मैं लिखूँ तो इट विल बी लाइक आई टाइम्स अल्फा प्राइम ओवर टू वन ओवर एन टाइम्स दिस थिंग सॉरी माइनस एन दैट्स इट. और एक्सपोनेंशियल आ रहा है जो कि ये वाला एक्सपोनेंशियल है, लेकिन इसको मैं अब चूंकि ये दोनों साइड पे है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो इसको इग्नोर करो क्योंकि ये कैंसिल हो ही जाना है एंड में. दूसरी साइड पे जो चीज़ आएगी वो होगी वन ओवर टू यानी कि ये वाला वन ओवर टू टाइम्स दिस थिंग. तो ये जो दिस थिंग है ये है आई अल्फा प्राइम आई टाइम्स दिस थिंग. सो अल्फा प्राइम और आई और टू ये ख़त्म कर दो. ठीक है, इसका मतलब है कि ये वन ओवर है आप सिर्फ यहाँ लेके जा सकते हो सिंपली और दैट्स योर कम्यूटेशन रिलेशन. लेकिन ये सिर्फ तब है जब यू नो एक एन हो और एक माइनस एन हो. तो अगर आप इसको जनरली करना चाहते हो तो आप इसको एम कर दो और यहाँ पे आप एक डेल्टा फंक्शन ऐड कर दो कि एन प्लस एम हैव टू बी ज़ीरो. ठीक है, तो ये असल में हमारा दूसरा कम्यूटेशन रिलेशन है. राइट, अब ये जो तीसरी टर्म रह गई है ये वाली टर्म इसके साथ ऑब्वियसली मल्टीप्लाई होगी ये पहले कंपेयर करने से पहले और यहाँ से ये वाली टर्म, इनको भी अगर आप कंपेयर करो तो एग्जैक्टली सेम तरह का कम्पिटिशन रिलेशन जो है वो आता है जो कि सेकंड तरह का आया, बिल्कुल सेम उसी तरह का आएगा, सेम रीजनिंग है, आप चेक कर सकते हो इसको खुद ही.
एंड यू विल सी कि अल्फा प्राइम म्यू एन अल्फा सॉरी नॉट प्राइम टिल्डा अल्फा टिल्डा एन म्यू एन एम इज एन टाइम्स दिस थिंग टाइम्स दिस थिंग. ठीक है, तो ये हैं वो नॉन जीरो कम्यूटेशन रिलेशंस जो हमें चाहिए थे. और याद रखें कि हमने पहले ये प्रूव किया था कि एक्स म्यू का कम्यूटेशन रिलेशन अल्फास के साथ और एक्स म्यूज का कम्यूटेशन रिलेशन अल्फा टिल्डास के साथ, और इसी तरीके से पी म्यूज का कम्यूटेशन रिलेशन अल्फा के साथ और पी म्यू का कम्यूटेशन रिलेशन अल्फा टिल्डास के साथ, ये सब जीरो है. और दूसरी बात यह है कि अल्फास का कम्यूटेशन रिलेशन जो होगा अल्फा टिल्डास के साथ ये भी जीरो है. ठीक है, सो ये वो रिक्वायर्ड कम्यूटेशन रिलेशंस हैं बिटवीन द मॉड्स जो कि हमें वो कम्यूटेशन रिलेशन देंगे जो कि हमें अल्फा सॉरी एक्स म्यूज और उसका कंजुगेट मोमेंटम जो है पी म्यूज उसके बीच में चाहिए है. सो इस वीडियो को खत्म करने से पहले हम एक और छोटा सा पॉइंट क्लियर कर लें, और ये है कि अगर आप ये कम्यूटेशन रिलेशंस देखो और आप अभी सिर्फ वो केस कंसिडर करो जहां पे ये कम्यूटेशन रिलेशंस जो हैं ये यू नो नॉन जीरो हैं, यानी कि n प्लस m हैव टू बी इक्वल टू जीरो. इसका मतलब है कि m हैज टू बी इक्वल टू माइनस n. ठीक है, अच्छा अब आप एक और चीज कंसिडर करो, और आप पहले आप ये याद करो कि हम जो वो मैट्रिक का जो वो कंसिडर कर रहे हैं सिग्नेचर दैट्स सो डायग डायग का मीन है कि यू नो डायगनल मैट्रिक्स जिसके अंदर जो एंट्रीज होंगी वो हैं जो अब मैं लिखने लगा हूँ. सो माइनस वन 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 एंड जितनी भी आपकी टोटल डायमेंशन हैं. ठीक है, सो आप याद रखो कि हम माइनस प्लस 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 सिग्नेचर यूज़ कर रहे हैं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ. सो ये टाइम वाला जो है ये माइनस है, बाकी जितने भी स्पेस वाले हैं दे आर पॉजिटिव. ठीक है, ओके, सो इसका मतलब है कि अगर मैं म्यू और न्यू को इक्वल लूँ और इनको इक्वल ले लूँ जे के, जे जो है वो कोई स्पेस इंडेक्स है. ठीक है, सो स्पेस इंडेक्स, सो लेट्स सी कि ये कम्यूटेशन रिलेशन किस तरह से बनता है. सो इट विल बी लाइक जे एन जे माइनस एन एन एंड दैट्स इट, बिकॉज यहाँ पे आना चाहिए था ईटा जे जे बट दैट्स वन. ठीक है, सो अब आप एक चीज़ देखो कि अगर आप n को ग्रेटर देन ज़ीरो लो, ये वाला केस लो अगर आप, ठीक है, तो आप ये काम कर सकते हो कि आप ये जो दोनों साइड्स पे n से डिवाइड कर सकते हो, लेकिन जो मैं कम्यूटेशन रिलेशन वाली साइड है उस पे n से डिवाइड एक और तरीके से कर रहा हूँ, वो ये है कि मैं दोनों को स्क्वेयर रूट ऑफ n से डिवाइड कर रहा हूँ. ठीक है, और अगर आप n को भी स्क्वेयर रूट ऑफ n टाइम्स स्क्वेयर रूट ऑफ n से डिवाइड करो तो यू विल जस्ट गेट वन. ठीक है, अब आप एक चीज़ करो वो ये है कि अल्फा जे ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एन, अगर आप इसको कहोगे दिस इज ए जे एन. ठीक है, ये अल्फा नहीं है ये ए है, और अल्फा जे माइनस एन जो है डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ एन, अगर आप इसको कहोगे ओके दिस इज अल्फा एन जे डैगर, तो ये जो कम्यूटेशन रिलेशंस हैं ये बिल्कुल उस तरह से लगते हैं जिस तरह हार्मोनिक ऑसिलेटर के कम्यूटेशन रिलेशंस होते हैं. ठीक है, अगर आप याद करोगे हार्मोनिक ऑसिलेटर जो था जो कि आपको क्वांटम मैकेनिक्स में आपने स्टडी किया होगा, उसमें कम्यूटेशन रिलेशन जो थे वो इस तरह से थे. ठीक है, सो ये जो हम देख रहे हैं अब इट्स लाइक मैनी मैनी हार्मोनिक ऑसिलेटर्स जहाँ पे ये जो हार्मोनिक ऑसिलेटर के मोड्स हैं उनके ऊपर दो तरह के लेबल्स हैं, वन इज एन एंड वन इज जे. ठीक है, सो आप देख सकते हो कि जहाँ पे अल्फाज का ये जो इंडेक्स है, तो अगर आप ये इंडेक्स देखो बल्कि यहाँ नहीं सॉरी ये वाला इंडेक्स, ये इंडेक्स देखो तो ये इंडेक्स है माइनस एन. ठीक है, और मैंने आपको कहा था कि एन इज़ पॉजिटिव. ठीक है, तो इसका मतलब है कि जब अल्फा का इंडेक्स जो है वो माइनस एन, नीचे वाला इंडेक्स कह रहा हूँ सबस्क्रिप्ट, जब वो माइनस एन हो जाए या फिर नेगेटिव हो जाए तो दोज अल्फाज एक्ट लाइक क्रिएशन ऑपरेटर्स. ठीक है, और जहाँ पे आई थिंक मैंने कुछ मिस किया है यहाँ पे, तो यहाँ पे एन होना चाहिए. सो जब अल्फाज का इंडेक्स जो है ये सबस्क्रिप्ट जो है वो एन हो जाए तो वो जो होते हैं अल्फाज दे एक्ट लाइक एनाइलेशन ऑपरेटर्स. ठीक है, अच्छा दूसरी बात ये कि हमने अभी तक ये जो डेफिनेशन की है, ये वाली डेफिनेशन जो है ये वाली,
ये तब है जब जे जो है, यानी कि जो अल्फाज के ऊपर जो अपर इंडेक्स है, जब स्पेस टाइम इंडेक्स जो होता है, दैट्स अ स्पेस इंडेक्स जे जो है। लेकिन आप इस डेफिनेशन को एक्सटेंड कर सकते हो उस केस के लिए भी जब ये इंडेक्स जो है, ये फॉर एग्जांपल कोई भी स्पेस टाइम इंडेक्स हो सकता है, बट इसका मतलब है कि एक टाइम इंडेक्स भी हो सकता है, राइट। सो उस केस में क्या होगा? उस केस में ये होगा कि आपको यहाँ पे एक माइनस साइन मिलेगा, तो यू विल गेट -1। और ये चीज़ थोड़ी प्रॉब्लमेटिक है, एंड यू कैन सी कि ऐसा क्यों है। सो सपोज, यानी कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे 0 अगर आप रख दो जे की जगह, 0 यानी कि टाइम इंडेक्स हो, ठीक है, तो ये चीज़ प्रॉब्लमेटिक है। तो मैं इसको यहाँ पे लिख दूँ पहले कि 0 जो है ये टाइम इंडेक्स है, और अगर आपके पास एक स्पेस इंडेक्स हो, सॉरी स्पेस इंडेक्स हो, तो यू विल गेट 1, जहाँ पे ये जो जे है ये स्पेस इंडेक्स है। इन दोनों रिजल्ट्स को कंबाइन करके लिखने का तरीका ये है कि इफ़ यू हैव अल्फा म्यू एन अल्फा डैगर न्यू एन, दैट विल बी इक्वल टू दिस थिंग, ठीक है। और अगर आप इसको जनरलाइज करना चाहते हो तो आप इसको ए को एन कर दो, एम कर दो सॉरी। और मैंने कहा, आप देखा था कि मैंने ये सब तब आया था जब हमने म्यू और न्यू को इक्वल रखा था, तो सॉरी म्यू और न्यू को इक्वल नहीं, एन और एम जो हैं वो इक्वल हैं यहाँ पे, ये दोनों इक्वल होंगे तभी ये वन आएगा। अगर ये इक्वल ना हो तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एन और एम इक्वल करने वाला एक डेल तो वो आना चाहिए, क्रोनेकर डेल था, ठीक है। आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हो कि ये कम्प्यूटेशन रिलेशन जो है ये नॉन जीरो सिर्फ तब था जब ये दोनों इंडिसेस जो थे ये एड अप टू 0 होते, ठीक है। लेकिन इस डेफिनेशन के अंदर आप देख सकते हो यहाँ पे ये साइन जो है वो स्विच हो गया, माइनस एन की जगह एन आ गया। इसका मतलब है कि अब जो एज के ऊपर इंडिसेस हैं दे शुड बी इक्वल, जो इंडिसेस अल्फाज के ऊपर थे दे शुड एड अप टू 0 अगर आपको नॉन जीरो कम्यूटेशन रिलेशन चाहिए। लेकिन जो इंडिसेस एज के ऊपर हैं दे शुड बी इक्वल टू ईच अदर, बिकॉज उनमें से एक जो जो क्रिएशन ऑपरेटर है उसकी डेफिनेशन के अंदर अपने इंडेक्स को माइनस एन से एन कर दिया है, दैट्स वाई। ओके, सो इसमें एक प्रॉब्लम जो मैं बताने लगा था वो ये है कि अगर आपके पास ये इंडेक्स जो है ये टाइम इंडेक्स हो, ठीक है, ये जो म्यू और न्यू दोनों जो है वो टाइम इंडेक्स हो, तो उससे प्रॉब्लम ये खड़ी होती है। ये सपोज करो कि आपके पास एक वैक्यूम स्टेट है, ठीक है, सो यू हैव अ वैक्यूम स्टेट, और इसके ऊपर एक टाइम इंडेक्स रखने वाला क्रिएशन ऑपरेटर जिसका सबस्क्रिप्ट जो है वो कुछ भी एन है वो एक्ट कर रहा है, ठीक है। सो अगर आप इसका नॉर्म स्क्वेयर्ड कैलकुलेट करो, सो इट शुड बी पॉजिटिव, ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है, इट शुड बी पॉजिटिव यूनिटरी थ्योरी के लिए, इट शुड बी पॉजिटिव। बट अगर आप इसको कैलकुलेट करो तो इट बिकम्स ए एन 0 ए एन 0 डैगर, राइट। और अब अगर आप कम्यूटेशन रिलेशन जो है उसको यूज़ करो तो इट बिकम्स लाइक दिस थिंग प्लस, सॉरी कम्यूटेशन रिलेशन, राइट। अब ये जो पहली वाली टर्म है दिस शुड वैनिश बिकॉज ये एक एनाइलेशन ऑपरेटर है और ये वैक्यूम के ऊपर अगर एक्ट करेगा तो इट विल गिव यू 0, ठीक है, तो ये चीज़ तो बिल्कुल 0 हो जाती है। ये जो दूसरी चीज़ है, हमने देखा था कि ये चीज़ -1 है अगर ये दोनों अपर इंडिसेस जो हैं ये टाइम इंडिसेस हैं, तो यू विल गेट 0 0 इनर प्रोडक्ट टाइम्स -1। और ये वैक्यूम जो है इसको हम लेते हैं एज एज इफ इट इज़ नॉर्मलाइज टू यूनिटी, सो इट विल बी लाइक 1 टाइम्स -1 विच इज़ जस्ट -1। सो ये नॉर्म्ड स्क्वायर जो है ये -1 है, एंड दिस इज़ अ ह्यूजली प्रॉब्लमेटिक थिंग। यू नो यूनिटरी थ्योरी के अंदर यू कैन नॉट हैव स्टेट्स जिनका नॉर्म स्क्वायर जो है वो -1 हो, बिकॉज इट्स काइंड ऑफ लाइक हैविंग अ काइंड ऑफ लाइक हैविंग अ नेगेटिव प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो इस तरह की जो स्टेट्स होती हैं इनको हम कहते हैं घूस्ट स्टेट्स, और इनको आगे जाके हम स्टडी करेंगे कि इन घूस्ट स्टेट्स को हम किस तरह से निकालते हैं। ये निकालते हैं का मतलब है कि थ्योरी से किस तरह से एक्सक्लूड करते हैं। देर इज़ अ पर्टिकुलर देर आर मेनी वेज टू डू इट एक्चुअली। एक तरीका जो ऐसा है कि देर इज़ समथिंग कॉल्ड लाइट कॉन क्वांटाइजेशन ऑफ स्ट्रिंग्स, जब हम वो करेंगे तो ये स्टेट्स निकल जाएंगी। और इसके फिर और भी तरीके हैं, क्योंकि लाइट कॉन क्वांटाइजेशन के अंदर कुछ चीज़ें जो हैं वो थोड़ी सी अनडिज़ायरेबल हैं, दैट्स वाई। ओके, सो अब हम इस वीडियो के अंदर अगर मैं रिवाइज करूँ तो हमने ये किया है कि हमने स्ट्रिंग्स को क्वांटाइज किया है, हमने ये देखा है कि मोड्स जो हैं उनके दरमियान क्या
कम्यूटेशन रिलेशंस होने चाहिए, अगर हमें वो डिज़ायर्ड कम्यूटेशन रिलेशंस चाहिए एक्स म्यू और उसके कॉन्जुगेट मोमेंटम के अंदर। और तीसरी चीज़ हमने ये देखी है कि वी कैन टॉक अबाउट यू नो क्रिएशन और एनाइलेशन ऑपरेटर्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्ट्रिंग थ्योरी। सो वी आर गेटिंग अ फील्ड थ्योरी आउट ऑफ दिस, ठीक है, जिस तरह से हमें क्वांटम फील्ड थ्योरी में क्रिएशन और एनाइलेशन ऑपरेटर्स मिलते थे, स्ट्रिंग्स के अंदर भी हमें उस तरह से अब स्ट्रक्चर दिखना शुरू हो गया है। लेकिन वी आर अ लॉन्ग वे यू नो फ्रॉम गेटिंग एनी यूजफुल रिजल्ट, जो कि यू नो बिग रिजल्ट हैं स्ट्रिंग थ्योरी के। फॉर एग्जाम्पल बोसोनिक स्ट्रिंग्स की डायमेंशन 26 होना, वहाँ से भी हम बहुत दूर हैं, बट वी विल गेट देयर। टिल द नेक्स्ट वीडियो, बाय।